हेलो गाइस सो दोस्तों अपनी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ गाइस मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि टुडे आई एम गोइंग टू गेट मैरिड यस गाइस आज मेरी शादी है और मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है ये वीडियो बनाते हुए तो बट मैं फिर भी बना दे रही हूँ ताकि आप लोगों को सारी बातें बता सकूँ सो तो यहाँ पर अभी तक मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी है मैंने कुछ भी तैयार भी नहीं हुई हूँ अभी थोड़ी देर में मैं पार्लर में जाऊँगी और वहाँ से मैं तैयार होकर आऊँगी तो मैं जैसी भी लगूंगी आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ सो मैं अभी आपको अपना लहंगा दिखा देती हूँ जो कि मैं पहनने वाली हूँ और थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो कि मेरी मम्मी मेरे लिए ले लेकर आई है आपको भी पता है इन चीज़ों का मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं है सो so, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ फिलहाल सो so गाइज़ ये है मेरा लहंगा जो कि मैं आज पहनने वाली हूँ और इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था काफ़ी लाइट कलर है सो मैंने ये वाला लहंगा चूज़ किया इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी ज्वेलरी है उसकी इयरिंग्स यहाँ पर है और नेकलेस और मान टीका वगैरह इसके अलावा मेरी चूड़ियाँ जो कि मैं पहनने वाली हूँ सो ये चूड़िया भी बहुत अच्छे कलर की है ये जो बिंदी है ये मेरे को लड़के वालों ने दी थी और सिर्फ ये बिंदी ही नहीं इसके साथ ये सिंदूर का डब्बा और साथ ही साथ ये चूड़िया भी मेरे को उनकी तरफ से ही मिली थी और बाकी ये सारा सामान तो मैंने खुद के ले लिया है मैं अभी पार्लर में हूं और यहाँ लाइट चली गई है पता नहीं क्या होने वाला है ओके सो गाइस मैं पार्लर से वापिस आ चुकी हूँ और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ सो यस तो मुझे तो मैं रोज़ जैसी ही लग रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करवाया है मैंने उस पार्लर वाली को बोल दिया था कि बिल्कुल ही लाइट मेकअप रखना है क्योंकि आपको पता है मैं कभी मेकअप नहीं करती हूँ मैं कभी फाउंडेशन फेस पाउडर तक नहीं लगाती हूँ सो so, इसके लिए मैंने उसको ऐसे बोल दिया था एकदम कि भाई एकदम लाइट मेकअप करना है ऐसा लगना चाहिए कि मेकअप करा ही नहीं है सो so, इसलिए उसने एकदम लाइट मेकअप करा है और आप देख सकते हैं मतलब ठीक है यार क्या है मतलब इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है सो ये और मैंने बाल भी नहीं बनवाए उस पार्लर वाले से वो मेरे बाल बना रही थी बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो जिस डिज़ाइन का जूड़ा बना रही थी सो so, मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं ये बाल तो मेरी मौसी की बेटी इससे अच्छा बना देगी सो so, इसलिए मैंने उससे बाल नहीं बनवाए और दो सौ रुपये कम लिए उसने मेरे बाल ना बनाने के सो <laughs> so, वो बाल मेरी मौसी की बेटी बनाएगी और बाल बनाने के बाद मैं मान टीका लगाऊंगी आप देख सकते हैं ये रहा वो मान टीका जो मैं लगाने वाली हूँ अभी तो मैंने लगाया नहीं है बट हाँ अच्छा लग रहा है ये मान टीका लगाने के बाद आई थिंक मैं थोड़ी अच्छी लगने लगूँगी अभी तो मैं लग नहीं सो या ओके सो गाइज अभी रात नहीं हुई है बारात रात में आती है आपको पता होगा तो अभी बारात आने में टाइम है सो so, यहाँ पर मेरी मम्मी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया है आप देख सकते हैं क्योंकि मुझे भूख लग रही थी सो so, इसलिए मैंने थोड़े से ये बिस्किट मांग लिए और अभी मैं वही खा के काम चलाऊँगी क्योंकि अभी घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे क्योंकि अभी किसी ने खाना नहीं बनाया यार सबने सोचा रात को तो खाना ही है इतना सारा खाना पड़ेगा सो क्या फ़ायदा अभी बनाने का सो इसलिए हमने दोपहर को नहीं बनाया और गाइज अभी तक आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि विद होम आई एम गोइंग टू गेट मैरिड यानी कि इनके साथ मेरी शादी हो रही है सो uh, so, मैं आपको बता दूं कि क्रेजी एक्स वाई जेड हमेशा से ही मेरे फेवरेट यूट्यूबर रहे थे मैंने एक वीडियो बनाया था मिस्टर इंडियन हैकर के लिए जिसमें मैंने साफ तौर पे ये चीज़ बोली थी कि मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी एक्स वाई जेड मेरे फेवरेट क्रिएटर्स है क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब पर अगर कोई ज्ञान की बातें बता रहा है तो वो ये दो क्रिएटर्स ही हैं इसके अलावा तो कोई अपनी फैमिली दिखा रहा है कोई अपने ब्लॉग्स बना रहा है कोई भी कुछ ज्ञान नहीं दे रहा है लोगों को सो इसलिए ये दोनों मेरे फेवरेट आ करते थे बट गाइज मैं आपको बताऊं तो क्रेजी एक्स वाई जेड के बारे में भी बीच बीच में मुझे काफी ज्यादा बातें पता चलती रहती है जिसे सुनकर मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता है क्योंकि यार मुझे नहीं पता उन बातों में कितने परसेंट सच्चाई है कितना झूठ है बट या बुरा तो लगता ही है थोड़ा बहुत सो so, मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे क्रेजी एक्स वाई जेड की टीम का वो एक बंदे का मैसेज था उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से क्रेजी एक्स वाई जेड ने उनको टीम से निकाल दिया जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लिया था यूट्यूब के ऊपर सो ये बात अमित सर को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसे अपनी टीम से निकाल दिया और बोला कि भाई अगले दिन से मत आना तो so, उस लड़की ने मुझे बोला कि आप जो है इस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाइए और मेरे पास सारे सबूत है मैं आपको दूंगा वो सबूत आप अपनी वीडियोज में दिखाइए तो आपको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और यू you नो know, अच्छा रहेगा आपके लिए बट गैस मैंने उस मुद्दे को लेकर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि यार मैं मनोज डे नहीं हूं कि मैं सौरभ जोशी से मिलकर आऊँ और उनके अगेंस्ट मैं वीडियो बनाऊँ तो जो क्रिएटर्स को मैं पसंद करती हूँ या जो मेरी फेवरेट है उनके अगेंस्ट में मैं कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ जो मेरे दोस्त हैं या जिन्हें मैं पसंद करती हूँ क्रिएटर्स यूट्यूब पे उनके अगेंस्ट मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ उन्हें रोस्ट नहीं करती हूँ तो so, मैंने मना कर दिया कि नहीं यार मैं क्रेजी एक्साइटेड के अगेंस्ट वीडियो नहीं बना सकती आप चाहे किसी भी दूसरे क्रिएटर का नाम ले लो मैं उनके अगेंस्ट एक बार के लिए बना लूंगी बट नॉट क्रेजी एक्साइटेड सो ये एक बार एक बार हुआ था मेरे साथ बट मुझे कहीं ना कहीं अंदर से बुरा तो लगा यार क्रेजी एक्सोइड ने ऐसा किया इनको टीम से निकाल दिया जस्ट बिकॉज इन्होंने अपना चैनल बनाया आई थिंक ये कोई रीजन नहीं हुआ है ना किसी को टीम से निकालने का सो so, मुझे थोड़ा बुरा लगा था और उसी बंदे ने मेरे को एक और दिन बताया कि एक दिन क्रेजी एक्स वाई जेड पूरी टीम लेकर आ गए थे उनके घर में और कुछ गुंडे लेकर आ गए थे उनको पिटवाने के लिए कि उन्होंने जो वीडियो बनाया है क्रेजी एक्स वाई जेड के अगेंस्ट वो डिलीट कर दे यूट्यूब से तो मतलब इस तरीके की चीज़ें पता चलती है तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है मुझे नहीं पता इसमें क्या चाहिए क्या नहीं है बट हाँ थोड़ा बुरा लगता है कि इस तरीके की चीज़ें अगर कोई क्रिएटर कर रहा है जिन्हें हम पसंद करते हैं सो या थोड़ा बुरा लगता है इन चीज़ों को सुन के गाइज अभी एकदम से एकदम से यू नो ढोल वगैरह की आवाज़ आने लग गई बाजा बजने लग गया मुझे लग रहा है बारात आ गई चलो हम भी देखने चलते भागो इतनी छोटी सी गलती की वजह से कोई कैसे किसी से रिश्ता तोड़ सकता है मेरी शादी टूट गई जैसा कि आपने पिछली क्लिप में देखा कि गाइस मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में बारात को देखने भाग रही थी और उसकी वजह से मैं गिर गई मेरे को गिरते हुए लड़के वालों के किसी फैमिली मेम्बर ने देख लिया और उन्होंने जाके लड़के की मम्मी से शिकायत कर दी तो लड़के की मम्मी ने मेरी मम्मी को बोला कि आपकी लड़की तो एक्साइटमेंट के चक्कर में मतलब ठीक से चल भी नहीं पा रही है चलते चलते गिर जा रही है तो इतना हमारा बड़ा घर कैसे संभालेगी वो एक जिम्मेदार बहू कैसे बनेगी सो गाय इसलिए उन्होंने इस शादी से मना कर दिया वैसे मुझे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता कि शादी के लिए उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि लड़कियों के लिए शादी की उम्र मोदी सरकार ने इक्कीस साल कर दिया है यानी कि अब अगर जब लड़की इक्कीस साल की हो जाएगी जो पहले अठारह साल थी एज तो अब वो इक्कीस साल कर दिया है अब लड़की अगर इक्कीस साल की हो जाती है तो उसकी शादी करवाई जाएगी तो अभी इक्कीस साल का होने में, में मेरा को टाइम है सो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डेफिनेटली इक्कीस साल के बाद ही शादी होगी हमें पहले पता नहीं था हमें लगा अठारह साल है सो हम शादी कर रहे थे बट उसके बाद पता चला कि इक्कीस साल हो गई है सो ऐसा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता Ha 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 ओके गाइस सो अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये एक प्रैंक था मेरी कोई शादी वादी नहीं हो रही और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है इतनी जल्दी शादी करने में ये सिर्फ एक प्रैंक था मैंने सोचा बड़े दिन हो गए आप लोगों के साथ मैंने कोई मस्ती मजाक नहीं किया चैनल के ऊपर प्रैंक नहीं किया सो इसलिए मैंने एक वीडियो डाल दिया और साथ ही साथ मैं प्रैंक के माध्यम से एक सोशल मैसेज भी आप लोगों को देना चाहती थी कि भाई लड़कियों की शादी की उम्र अब अट्ठारह से बढ़ाकर इक्कीस साल कर दी गई है सो उससे पहले किसी भी लड़की की शादी ना करवाएं अदरवाइज आपको जेल हो जाएगी सो ये एक सोशल मैसेज था जो कि मैं आप लोगों को देना चाहती थी और आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से दे भी दिया एक वीडियो के माध्यम से सो so, यही मेरा इंटेंशन था और एक और बात है कि मैं मेरे को क्रेजी एक्स वाई जेड के बारे में भी बात करनी थी बहुत टाइम से अपने चैनल के ऊपर बट मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि उनके बारे में जो बातें मुझे पता लग रही है वो सच है या झूठ है लेकिन पूरी तहकीकत करने के बाद मुझे पता चला है कि ये सारी की सारी बातें सच है मुझे डेफिनेटली खुद भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि यार क्रेजी एक्स वाई जेड ने ऐसा किया मैं तो उन्हें अपना फेवरेट यूट्यूबर समझती थी बट हाँ उनके बारे में मुझे बात भी करनी थी मैंने कहा ऐसे तो टाइटल थंबनेल लगा के दूसरों के बारे में मैं हमेशा बोलती रहती हूँ तो कुछ अलग किया जाए इस बार सो मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने ये प्रैंक के माध्यम से आप लोगों को क्रेजी एक्स वाई जेड की भी एक बात बता दी सो ये वाली बात है और उनको हेट मत देना यार मेरे को उनसे कोई नफरत दुश्मनी नहीं है वो मेरे हमेशा से फेवरेट क्रिएटर है अभी भी हैं वो इस तरीके की चीज़ें करते हो ना करते हो क्योंकि थोड़ी बुराइयाँ तो थो सब में होती हैं सभी क्रिएटर्स में कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं और ये एक बात है ओके गाइस तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना किसी के लिए कोई हेट नहीं है ये वीडियो किसी भी यूट्यूबर के अगेंस्ट में नहीं बनाई गई है ये वीडियो सिर्फ़ एक सोशल मैसेज और एक प्रैंक के तौर पे बनाई गई है तो इसे वैसे ही लेना हेट किसी के लिए भी नहीं है और बस भैया थैंक यू सो मच अगर आप मुझे कोई भी टॉपिक बताना चाहते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए तो प्लीज़ कॉमेंट में बताइए प्लीज़